हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, निफ्टी जो है ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, और जिस तरह से इन्फोसिस ने जो गैप था, जिसमें फॉल आया था जिस न्यूज़ के कारण, उसको फिल कर दिया है। और ऊपर की तरफ जो रिज़ल्ट आया था, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आया था इसमें। तो दिग्गज शेयर रिलायंस इंडस्ट्री भी क्या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा? जो 52 वीक हाई बनाया है इसने 1600 के ऊपर, तो अभी कुछ एक खबर थी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश थी। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस को डिस्क्लोज करने को कहा था एसेट्स के लिए, जो अरमुको के साथ डील हो रही थी, उसी की वजह से स्टॉक में कुछ प्रेशर बना हुआ है। पिछले कुछ समय से लगभग 1500 के आसपास तक आया था ये, वहाँ से कुछ ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बट अब Q3 का रिज़ल्ट देखिए, जो इनके पिछली बार दिया था, जहाँ से ये लगभग 1300 से काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ गया है, 1600 तक गया है। अब इस क्वार्टर में किस तरह का इसका ट्रेंड रह सकता है, उसको बताने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और जो खबर थी उसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जो गवर्नमेंट ने PL दाखिल किया है, जो अरमुको के साथ डील होनी है, उसी के वजह से ये एक रेंज बाउंड टाइप का कारोबार कर रहा है पिछले कुछ समय से, जब से इसमें न्यूज आई है। अब हो सकता है कि जब क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, उसको उसमें डिक्लेयर करें क्या रहेगा, अरमुको के साथ डील रहेगी या फिर कुछ आगे बढ़ेगी, क्योंकि मार्च तक होने की उम्मीद थी इसमें। और जैसे कि जान रहे हैं कि मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि इसको डेब्ट फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और 3 सब्सिडरी इनकी, जो पेट्रोकेमिकल और रिटेल जियो, तो ये तीनों में से सबसे बढ़िया इनका रिटेल, और फिर उसके बाद जियो, और उसके बाद पेट्रोकेमिकल में कुछ दिक्कतें हैं। और जिस तरह से इस जियो का जो काफ़ी अच्छा इनका इंक्रीज़ हो रहा है, और रिटेल में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, तो मॉर्गन स्टैनली ने भी अपना रिपोर्ट दी है। लगभग 1753 का टारगेट दिया है फ्रेंड्स, और अभी स्टॉक चल रहा है 1540 के आसपास। उन्होंने ये कहा है कि जियो में भी अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए और रिटेल में भी अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये मॉर्गन स्टैनली ने लगभग 1753 का टारगेट दिया है फ्रेंड्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ निगेटिव न्यूज़। जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने PIL दाखिल किया है कि आप लगभग $3 बिलियन का सबसे पहले पेमेंट करिए, तभी ये बेच पाएंगे। और वो तो सबसे पहले ट्रेड देखते हैं फ्रेंड्स, 13 जनवरी 2020 को जो ट्रेड किया था फ्रेंड्स, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में लगभग 1539 रुपये के आसपास था, और 1543 रुपये 70 पैसे में क्लोजिंग आई है, और 1547 रुपया प्रीवियस क्लोज था, और 1545 रुपये में ओपन हुआ था, 1558 रुपया 70 पैसे में हाई है, और 1538 रुपया 40 पैसा लो है। यानी इस लगभग 20 रुपये के आसपास का इसका ट्रेड रहा है। अब इसका जो इन्फॉर्मेशन है, कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो 52 वीक हाई है, लगभग दिसंबर 2019 में बनाया था, 1617 के आसपास। क्या Q3 का रिजल्ट इस तरह का रहेगा कि 1617 से ऊपर की तरफ कारोबार करेगा? तो उसमें से मॉर्गन स्टैनली ने तो ऊपर का टारगेट दिया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे अभी। और अभी 2020 में रिलायंस का जिस तरह से केस है फ्रेंड्स, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हों रिलायंस में, बट दिग्गज शेयर है। अब देखना पड़ेगा रिजल्ट किस तरह से रहता है। देखिए, इसका शेयर होल्डिंग लगभग सितंबर में 50.05 था, और जनवरी में 2019 की बात है ये, 47.29। और फाइनेंशियल रिजल्ट इसका जो रहेगा 17 जैन 2020 में रहेगा, ये अपडेट दिया है इन्होंने। तो टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड दिसंबर 31, 2019। जो Q3 का जो रिजल्ट रहेगा 17 जनवरी को रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है कि टेलीकॉम इबिटा टू राइज 13% क्वार्टर एंड क्वार्टर, गिवन द कंपनी स्टार्टेड रिकवरिंग इंटरकनेक्ट कॉस्ट। का एस्टिमेट है 15% क्वार्टर एंड क्वार्टर, 21% ईयर ऑन डिक्लाइन इन पेट्रोकेमिकल इबिटा, बट वी एस्टिमेट रिटेल रेवेन्यू राइज 31% वाई। लगभग 1753 का जो टारगेट इन्होंने दिया है, देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि किस तरह से ये अब Q3 का जो रिजल्ट है वो देते हैं। उसी के
हिसाब से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। टर में लगभग ये नवंबर 1470 और उससे पहले देखेंगे तो लगभग आप अक्टूबर में 1300 के आसपास था, ये लगभग 1350 और अक्टूबर में लगभग 1300 के आसपास था ये, और एक तरह से आप 1270 से लगातार ये बढ़ता हुआ, और बीच में एक खबर आई थी जो सरकार के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी गई है कि जो अरबकों के साथ डील होनी है, तो उसमें से कुछ अब सरकार ने कहा है कि हमें जो लगभग $3 बिलियन के आसपास इनको देना है, आप स्टेक सेल नहीं कर सकते हैं, तो अभी उसी के वजह से ये शेयर नीचे की तरफ है। आपने देखा होगा कि जो प्लेटफॉर्म में काफ़ी इसकी तारीफ कर रहे थे, तब से रिलायंस की बात नहीं हो रही है, बट ये है कि अब ठीक है, बड़ा दिग्गज स्टॉक है, लेकिन हर चीज़ बताने की ज़रूरत रहती है क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी पता रहना चाहिए। अब सरकार ने जो देखिए एक जो खबर थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बोला था कि रिलायंस एंड ब्रिटिश गैस टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स, और ये जब लगभग 23 का न्यूज़ था फ्रेंड्स, और इसमें जो बताया गया था कि गवर्नमेंट इज सीकिंग टू कर्व द कंपनी प्लान टू सेल स्टेक टू सऊदी अमेरिको, और आपने सुना होगा कि जो अमेरिको के साथ डील हो रही है उसके जो मुकेश अंबानी लगभग 20% स्टेक इज रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस टू सऊदी अरेमको, जो जिसका जो सरकार के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है रोकने के लिए, पन्ना मुक्ता एंड ताप्ती प्रोडक्शन शेयरिंग, मुकेश अंबानी लगभग 20% स्टेक अपना बेचना चाह रहे थे रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस में को सऊदी अरेमको को। अब ये डील नहीं होगी तो क्योंकि एक तरह से इन्होंने कहा था कि 18 महीने तक ये डेब्ट फ्री कर देंगे, और इसी डील के बिहार पे तो फ्रेंड्स ये एक दिक्कत बनी हुई है, और बट रिजल्ट अब देखना पड़ेगा किस तरह से हो सकता है। अब ये एक खबर थी फ्रेंड्स, इसके वजह से आपने देखा होगा कि स्टॉक लगभग 1540 से 1550 तक कारोबार कर रहा है, उससे पहले ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा था। ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है फ्रेंड्स, और लगभग 1543 के आसपास है ये, अगर एक साल का चार्ट देखेंगे तो ये इस तरह का है, लगातार ये लगभग 1170 से लगातार ऊपर की तरफ गया हुआ है, बीच में कुछ लगभग 1600 के आसपास से गिरावट में है, और अभी कुछ गिरावट में रहा है। जो न्यूज़ आ गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन दिया गया है कोर्ट में अरेमको के डील के साथ, उसी की वजह से इसमें गिरावट आई थी फ्रेंड्स, और लगभग 1500 रुपये के आसपास तक आया था। तो अब इसमें यह है कि अगर 3 महीने का देखेंगे इसका चार्ट का, देखिए वो कुछ डिफरेंट रहेगा, देखिए यहाँ से लगातार ये गिरावट में है, और अगर रिजल्ट अच्छा रहता है तो एक जंप ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये, और इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अगर जैसे इन्फोसिस का अगर रिजल्ट अच्छा आया है और न्यूज़ भी अच्छी आती है, तभी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर कोई भी कमी पेशी आती है रिलायंस में, तो आपको फिर ये लगभग देखिए सबसे पहले तो ये इस तरह से लगभग 1530 के आसपास का एक छोटा सा सपोर्ट इसको मिल सकता है, मिलेगा, बट रिजल्ट के दिन काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, तो आप मान के चल सकते हैं लगभग 1510 और 1500 के आसपास। अगर ये 1500 से नीचे की तरफ लुढ़का, तभी आप इस स्टॉक को फिर एक 1 ईयर के उसमें देखेंगे तो लगभग बहुत नीचे की तरफ भी आने की कोशिश करेगा, क्योंकि लगातार ये बढ़ रहा था और साल भर आपने अच्छा खासा रिटर्न दिया जिन्होंने 60 तक, और अगर फिर अगर यहाँ से अगर और भी गिरावट होती है तो फिर यहाँ एक सपोर्ट इसको मिलना चाहिए लगभग 1400 के आसपास। तो इतना गिरेगा नहीं, दिग्गज शेयर है, अगर ये गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा, बट ये चार्ट में जिस तरह से दिखा रहा है वो बताने की कोशिश है, और ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस मेंस इसका रहेगा तो एक तरह से ये गैप को हो सकता है कि जिस तरह से ये गिरावट रही है इसमें पिछले 3 महीने का ये चार्ट है, और यहाँ पे एक 1580 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। अगर 1580 के ऊपर कारोबार करेगा तब आपको फिर ये ऊपर के 1600 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, बट जो जैसा लग रहा है कि अभी जो न्यूज रह सकती है इसमें, जानते हैं कि ये सबसे बड़ी कंपनी है भारत के, लगभग 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 10 लाख करोड़ का, और काफ़ी प्लेटफॉर्म में हो हल्ला भी हो रहा था, बट जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इसको
इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। और इसमें करना कुछ नहीं, अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसमें आप जानते हैं कि गिरावट भी आती है स्टॉक्स में, और जिस तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ है तो हो सकता है कि अगर रिलायंस में कुछ अच्छा रिजल्ट आए तो उसके वजह से ये ऊपर की तरफ जा सकता है, और जैसे कि 1580 और 1600 के आसपास तक। बट अगर गिरावट रहेगी तो 1500 का एक स्टॉप लॉस आप इसको रख सकते हैं, और वो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो 1500 अगर नीचे की तरफ आता है तो आप निकलने की कोशिश करिए। और जब रिजल्ट में और कोई न्यूज़ गड़बड़ी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक जो लगभग $3 बिलियन के लिए चार्ज किया गया है, और अरमको डील एक तरह से खटाई में है, और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि क्या ये अरमको के साथ अपनी जो हिस्सेदारी है पेट्रोकेमिकल की, क्या वो बेच पाएंगे, तो वो भी एक क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये रहेगा कि इन्होंने 18 महीने या 2 साल के अंदर अपना जो कंपनी को डेब्ट फ्री करने के लिए कहा था, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो फ्रेंड्स, ये रिलायंस का टेक्निकल था। रिलायंस इंडस्ट्री फ्रेंड्स एक तरह से दिग्गज शेयर है ये, और Q3 का रिजल्ट से पहले कुछ हलचल रहेगी इसमें। जिस तरह से रेंज बाउंड है ये लगभग 1500 से 1540-50 तक ये कारोबार कर रहा है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के पास है, अगर पोर्टफोलियो में है तो बने रहना चाहिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अच्छा ही करेंगे। एक न्यूज़ है उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अगर इस क्वार्टर में अगर क्लियर करते हैं कि जो पेन है स्टॉक में, जो प्रेशर है, तो वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें यही है कि गिरावट में अगर मिलता है रिलायंस में तो बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऊपर की तरफ जो शॉर्ट टर्म के लिए है कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए है उनको बने रहना चाहिए। रिलायंस का ये व्यू रहेगा फ्रेंड्स। फिर आने वाले दिनों में किस तरह से रिजल्ट निकालते हैं उसको भी अपडेट देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो देखे आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।